ये नजारा है मोरावा गांव का, जहां चोरों से निपटने के लिए लोग रात भर अपने हाथों में डंडा लेकर पहरा देते हैं और जेसीबी से जंगलों को साफ भी करा रहे हैं ताकि चोर उसमें छिप ना सके। लगातार चोर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इन चोरों से निपटने के लिए ग्रामीणों ने अब कमर कस ली है। 7:30 बजे ही छत पे आ गए दो लोग, देखे गए, फिर मैंने उसी टाइम तत्काल में टिकट इमरेस्ट की कराई। 10 बजे की फ्लाइट में एयरपोर्ट 9 बजे के लगभग पहुंचा और मैं वहां पे तुरंत फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आया। दिल्ली से मैंने ट्रेन पकड़ी 6:20 की, मैं 2 बजे लगभग कानपुर उतरा, वहां से फिर बस से आया, फिर यहां मोरावा जब पहुंचा तो यहां पे काफी लोग थे, तो जो कि मतलब यहां पे सब लोग आके जमा। कल रात भर हम लोगों ने पहरा दिया, ऊपर सब लाइटें लगवाई हैं, सब मैंने व्यवस्था अपनी तरफ से की। वहीं दूसरी ओर मोरावा थाना की पुलिस मामले पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं कर रही है, वह मौन बैठी है। दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, लेकिन प्रशासन क्यों मौन है इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। कौन होगा उत्तरदायी जो देगा इन चोरी की घटनाओं का जवाब? थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था को देखकर सरकार की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उन्नाव से उपेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।